हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी नाम के टॉपिक का वीडियो का पार्ट टू है। इस वीडियो में हमने जो स्टेप्स वगैरह हमने या जो भी प्रेजेंटेशन के बारे में वीडियो वन में पढ़ा था, इस वीडियो में हम उसका एक बाइफर्केटेड वर्जन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन क्या होता है और स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब हम मौखिक तौर पर किसी व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि हम और आप खड़े होकर अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं, वो चीज़ आपकी कहलाती है प्रेजेंटेशन। और स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है तैयारी, यानी कि हम और आप बोलने से पहले किसी भी चीज़ के विषय पर अपने विचारों को रखने से पहले श्रोतागण के सामने जो भी तैयारियां पहले से करके रखते हैं, उन तैयारियों को हम और आप प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी कि एग्जैक्टली हम और आप प्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है, और हम प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं, प्लस हमारी प्रेजेंटेशन कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने लास्ट आपका छोड़ा था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें प्रेजेंटेशन को देने से पहले हमें तैयार कर लेने चाहिए, या क्या क्या तैयारी जीत के लिए या प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को पहले से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। अगर हम फिगर की बात करते हैं तो पहले हम इस फिगर को देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि द मोर सक्सेसफुल अ करियर द मोर ऑफन विल बी कॉल्ड अपॉन टू मेक द प्रेजेंटेशन। आप जितना अपने करियर में आगे जाते जाएंगे, आप जितना अपने करियर में एडवांस होते जाएंगे, प्रमोट होते जाएंगे, हाई लेवल यानी कि टॉप लेवल में जाते जाएंगे, उतना ही प्रेजेंटेशन आपको पब्लिक को देनी पड़ेंगी, क्योंकि देर विल बी अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन एंड वेराइटी ऑफ ऑडियंस टू बी एड्रेस्ड, यानी कि आपको बहुत सारे श्रोतागणों के साथ एड्रेस करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जहाँ पर आपको कोई ना कहीं अपने विचारों को सामने वाले के सामने रखना पड़ेगा। सो आई कैन से दैट फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। हमें ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने से पहले। देर आर मेन सिक्स स्टेप्स, टोटल कितने हैं, टोटल छः स्टेप्स होते हैं आपको प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपको जो काम करना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले आपको करनी पड़ती है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है तैयारी, ठीक है। तैयारी करने के बाद, अब ये तैयारी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके, मैं अभी आपको बताऊंगी। तैयारी करने के बाद आपको बनाना है उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या करना है, चूजिंग द मोड ऑफ डिलीवरी, आपको अपनी कंटेंट की डिलीवरी कौन से मेथड को अपनाकर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिलीवरी, आप कौन कौन से दिशा निर्देश अपने आप को देंगे उस प्रेजेंटेशन को देने से पहले। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस, आप जब बोलने वाले होंगे तो अपने विषय पर बोलते समय आपके शरीर की भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपके बॉडी मूवमेंट्स, जिसे हमने टॉपिक काइनेसिस के अंदर पढ़ा था कैसे होने चाहिए, आपकी वॉइस यानी कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स हमारे और आपके कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पहले से सोच के रखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी प्रेजेंटेशन को देने से पहले, अपनी प्रेजेंटेशन को बताने से पहले हमें और आपको अपने विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है, अपने जो भी आपके सहायक सामग्री होगी उसकी भी तैयारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम इनके पॉइंट्स की बात अगर आपसे करते हैं तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है तैयारी। अभी मैं इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। प्लानिंग में हमें किस चीज़ की प्लानिंग करनी होती है, ओकेजन की, ऑडियंस की, पर्पस की, थीसिस की और मटेरियल की, ये मैं अभी आपको सब डिटेल में एक 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 पॉइंट बताऊंगी। नेक्स्ट आपको ओकेजन कौन सा है, ओकेजन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, टाइम क्या है, कंटेंट क्या है, टोन क्या होना चाहिए, टोन कह दीजिए, वॉइस कह दीजिए, बात आपकी एक है, वो कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पहले से सोचनी है। अगर मैं आउटलाइन और स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें हम अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे, ठीक है, अपनी मेन बॉडी को फ्रेम आउट करेंगे, इंक्लूडिंग अपने कंक्लूजन को भी हम प्रॉडली फ्रेम आउट करके रखेंगे। दैट मीन्स अगर हम इन 6 पॉइंट्स को पहले से अपनी रफ ड्राफ्टिंग करके रखेंगे तो शायद हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनेगी, यानी कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से डिलीवर सामने वाले व्यक्ति के पास हो पाएगी। अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी। ये आपका मेन फिगर है, ये आपका मेन डायग्राम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि हमें और आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब पहला पॉइंट क्या कहता है आपका, एग्जैक्टली प्लानिंग क्या होती है, हम इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि एग्जैक्टली प्लानिंग
क्या होती है, इसको मैंने रोमन नंबर का बड़ा वाला 1 दे दिया है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन। प्लानिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन, जो भी हम और आप प्रेजेंटेशन देने से पहले करते हैं, यानी कि डिलीवरी करने से पहले। अब डिलीवरी ये कोई बेबी बर्थ डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी का मतलब क्या है? बोलने से पहले। डिलीवरी ऑफ किसकी? स्पीच। यानी कि बोलने से पहले जो भी हम और आप प्रिपरेशन करेंगे, उस चीज़ को हम और आप प्लानिंग या प्रेजेंटेशन प्लानिंग कहते हैं। अब प्लानिंग जो होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्लानिंग क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन को देने से पहले हमें और आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, एल्स अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो ये समझ लीजिए कि द ऑडियंस विल स्केयर यू। ऑडियंस क्या करेंगे? अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो ऑडियंस विल स्केयर यू। स्केयर का मतलब क्या होता है? आपको और हमें डरा देंगे। इसलिए हमें बहुत अच्छे से पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए। अब प्लानिंग करना इतना आसान काम नहीं होता है, प्लानिंग बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करने में हमें क्या करना होता है? हमें ये सोच लेना चाहिए प्लानिंग का मेन एम क्या है, कि वॉट टू से, हम अपनी प्रेजेंटेशन में क्या बोलने वाले हैं, एंड हाउ टू से, और हम जो भी बोलने वाले हैं उसको हमें कैसे बोलेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सम पीपल आर नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं? नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, यानी कि उनको सिखाना नहीं पड़ता बोलना कैसे है। वो पब्लिक में कभी भी खड़े हो जाते हैं, पब्लिक को कहीं भी, पब्लिक को खड़े होकर एड्रेस कर देंगे, पब्लिक को खड़े होकर क्या कर देंगे? एड्रेस कर देंगे, एंड दैट टू विथ फुल कॉन्फिडेंस, दैट टू विथ कॉन्फिडेंस। मगर क्या होता है, जो लोग नेचुरली टैलेंटेड स्पीकर्स नहीं होते हैं, जो लोग जन्म से बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर उन्हें वक्तागिरी नहीं आती तो कभी वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनको हमें सीखना पड़ेगा। और ये जो सब कुछ है ये उन्हीं लोगों के लिए है, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए है, ठीक है, जो कि क्या कह सकते हैं, जिनको हमने बोलना ओरेटरी स्पीच देना सिखाया नहीं है, लेकिन क्या है, हम और आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर हम अच्छा अपना स्पीच देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं। अगर हम और आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करके जाएंगे, ठीक है, अगर हम और आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करके जाएंगे, इफ़ विल डू अ गुड प्लानिंग, अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करके जाएंगे तो उसका फायदा होगा कि यू कैन या वन कैन आंसर एनी क्वेश्चन। श्रोताओं का, जनता का कोई भी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से जवाब दे देंगे, और इट विल सेव टाइम एंड एफर्ट, ये आपका समय भी बचाएगा और आपकी मेहनत भी बचाएगा, एंड अबव ऑल यू विल बी फिल विथ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ही होगा, बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ फिलअप होंगे, ठीक है। तो प्लानिंग में हमारा पहला पॉइंट फिगर में मैंने जो बताया था आपको वो क्या था? ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग का, ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है? ओकेजन का मतलब होता है कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको प्लानिंग करने से पहले या प्लानिंग के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देख लेना चाहिए। प्लानिंग के मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्लानिंग के हर पहलू को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। ओकेजन का मतलब क्या होता है? ओकेजन का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है या आप अपने श्रोताओं को देंगे, प्लस कितना टाइम आपको बोलना है और किस कंटेक्स्ट में आपको बोलना है। ये तीनों चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन के से पहले ओकेजन के पैरामीटर्स पर माप और आंक लेनी चाहिए। अब बात आती है पहला पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट क्या है आपका? फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ को हम और आप लोकेले भी कहते हैं, यानी कि वेन्यू। इस पॉइंट के लिए मैं आपसे कह सकती हूँ, इस पॉइंट को आप रट लीजिए, चाट लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर योर एग्जामिनेशन, एंड द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज लोकेले, और फैसिलिटीज करके कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज लोकेले, लोकेले क्या होता है, यानी कि ओकेजन का पॉइंट क्या है आपका पहला? फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मतलब लोकेले, और ओकेजन किसका पॉइंट था? प्लानिंग का। लोकेले का मतलब क्या होता है? लोकेले का मतलब होता है आपका फिजिकल एनवायरमेंट, आपका फिजिकल एनवायरमेंट, आपकी सराउंडिंग्स, आपका फिजिकल एनवायरमेंट, आपकी सराउंडिंग्स, ठीक है, जहां पर आप क्या करने वाले हैं, अपने मैसेज को, अपने कंटेंट को, अपनी इन्फॉर्मेशन को या अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया
जहाँ पे खड़े होके आप क्या करने वाले हैं, अपनी बात को कहने वाले हैं। याद रखिएगा हमेशा कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द मैसेज। अगर आपका एरिया जहाँ पे खड़े होके आप बोलने वाले वो अच्छा नहीं है, तो प्रेजेंटेशन सुनने में ऑडियंस को कभी भी मज़ा नहीं आएगा। स्पीकर जो होता है हमेशा, जो एक वक्ता है, उसको क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए, उसको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। द स्पीकर शुड बी अवेयर ऑफ, द स्पीकर शुड बी अवेयर ऑफ, या स्पीकर शुड नो, स्पीकर को कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन का कमरा क्या है, यानी कि बड़ा कमरा है, लार्ज रूम है, स्मॉल रूम है, ऑडिटोरियम है, ये क्या है, ठीक है। रूम कैसा है जहाँ पर उसको खड़े होके क्या करना है, बोलना है। उसके बाद वहाँ पर अ पोडियम इज़ अवेलेबल और नॉट। पोडियम का मतलब क्या होता है, मंच, डायस जो आपने देखा होगा, या कोई टेबल है जिसका सहारा लेके वो खड़ा हो सकता है, सामान रख सकता है। आपने अक्सर देखा होगा एक ऐसे ये बना होता है, ठीक है, यहाँ पर एक माइक सा लगा रहता है और एक व्यक्ति खड़ा होकर यहाँ पे क्या करता है, इस माइक पर बोलता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज पोडियम या डाइस, ठीक है। वहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है या नहीं है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का मतलब होता है प्रॉपर माइक है या नहीं है, बूफर सिस्टम है, यानी कि वहाँ पर साउंड सिस्टम कैसा है, वहाँ का साउंड सिस्टम कहाँ तक है। ऐसा तो नहीं है कि चेयर्स बहुत सारी हैं, ऑडियंस बहुत सारे आने वाले हैं और पीछे वाले लोगों को मेरी ऑडिबिलिटी ही नहीं है, आवाज़ सही से आएगी नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है वहाँ का, इज़ देयर अ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द ऑडियंस और नॉट, प्लस रूम टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, और वहाँ की लाइटनिंग कैसी है, यानी कि कमरे में लाइट वगैरह कैसी है, वेंटिलेशन कैसा है वहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पहले से स्पीकर को लोकेले में देख लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टाइम, ओकेजन में नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, टाइम। तो ए पॉइंट हमारा फैसिलिटी था और बी पॉइंट हमारा क्या है, टाइम। अब क्या होता है, प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको टाइम को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रख लेना चाहिए। टाइम का मतलब क्या है कि डे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ टॉक क्या है। डे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है और ड्यूरेशन ऑफ टॉक क्या है। डे ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशन कब देनी है और आपको प्रेजेंटेशन कितनी देर देनी है, यानी कि आपको मॉर्निंग आवर्स में देनी है प्रेजेंटेशन। अगर आपको मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन देनी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन दीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, सीधी बात, नो बकवास, जो भी बोले फैक्चुअल प्रेजेंटेशन दीजिए। क्या दीजिए, फैक्चुअल प्रेजेंटेशन मॉर्निंग आवर्स में। बी पॉइंट, अगर आपको आफ्टर डिनर देनी है, डिनर के बाद खड़े होकर कुछ बोलना है, तो यू कैन अडेप्ट सम रिमार्क्स, आप अपने कुछ कमेंट्स या अपने रिमार्क्स भी दे सकते हैं। आफ्टर डिनर स्पीच देनी है अगर आपको खड़े होकर, या फिर आपको क्या देनी है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। अगर आपको क्या देना है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, अगर आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू बी ब्रीफ, कम बोलिए, अच्छा बोलिए, ब्रेविटी मेंटेन करिए, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड मिनिमम वर्ड्स दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फर्स्ट फ्यू मिनट्स में क्या कर देने चाहिए, बोल देने या बता देने चाहिए। टाइम आपको खराब नहीं करना ऑडियंस का बिल्कुल भी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है आपका कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं, ठीक है, यानी कि इट मीन्स द सराउंडिंग इवेंट्स ऑफ आर प्रेजेंटेशन। सराउंडिंग इवेंट्स क्या है प्रेजेंटेशन की, दैट मीन्स आपके टीम मेंबर्स कौन कौन हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लस ये भी आपको देखना चाहिए कि रीसेंट जिस टॉपिक पर आप बोल रहे हैं, जो भी आप कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं, रीसेंट उस टॉपिक के ऊपर क्या काम चल रहा है, यानी कि रीसेंट उस प्लॉट पर क्या अपग्रेडेशन है, क्योंकि जो चीज़ पहले हो चुकी है वो ऑलमोस्ट हो सकता है कि लोगों को पता हो, लेकिन रीसेंट हैपनिंग हो सकता है कि पीपल आर नॉट बीन अवेयर ऑफ, तो आपको उस कंटेक्स्ट के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपके वॉइस, यानी कि आपका टोन, आपको इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने वॉइस को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, आपको अपनी वॉइस को क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। आपके वॉइस लेवल का जो पिच है, यानी कि आपका जो रेट है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड।
आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा आपको लो नहीं बोलना है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलना है। आपको कैसे बोलना है? आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी बात को बोलना चाहिए। एग्जाम्पल, आप किसी वेडिंग में बोल रहे हैं, शादी में खड़े होकर बोल रहे हैं, या आप किसी स्पोर्ट्स के इवेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लाउड वॉइस के साथ बोल सकते हैं, आप ह्यूमर ला सकते हैं, हंसी मजाक अपनी बात के अंदर ला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी की डेथ में बोल रहे हैं, कोई शोक समाचार बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो टोन होना चाहिए दैट शुड बी वेरी मच पोलाइट, यानी कि आपका पोलाइट टोन होना चाहिए। वेडिंग में बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स में बोल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? लाउड होना चाहिए टोन आपका, और ह्यूमर से भरा होना चाहिए, यानी कि आप मस्ती मजाक भी उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेथ में बोल रहे हैं तो पोलाइट टोन आपको बोलना चाहिए। सेकेंड, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडियंस। अब देखिए, मैंने यहाँ पर रोमन नंबर 2 डाला है, दैट मीन्स ये प्लानिंग की सिमेट्री का है, ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो इट इज़ अगैन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं फिगर को दोबारा देखूँ तो देखिए, पहला पॉइंट आपका प्लानिंग था। प्लानिंग में देखिए, ओकेजन, ऑडियंस, पर्पस, थीसिस, मटेरियल। ओकेशन आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट आपका क्या है? ऑडियंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका ऑडियंस था, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? सेकंड पॉइंट आपका क्या है? ऑडियंस। आपका सेकंड पॉइंट क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ये प्लानिंग के ओकेजन का के साथ का सेकंड पॉइंट है, ना कि मेन 6 हेडिंग का सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण। श्रोतागण का मतलब क्या होता है? द पीपल दोज हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ कम्युनिकेशन। द पीपल दोज हु आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, जो लोग एंड में रहते हैं, जिनको हम और आप बोलते हैं। तो बिफोर स्पीकर बिगिंस टू टॉक, यानी कि जब भी एक इंसान, बिफोर अ स्पीकर बिगिंस हिज टॉक, अगर आप अपनी टॉक को यानी कि अपनी बातचीत को शुरू करते हैं, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब क्या होता है? रफ ही सही, मगर एक आइडिया आपके पास ऑडियंस के बारे में बिफोर एंड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ऑडियंस के बारे में एक आइडिया बिफोर हैंड होना चाहिए। बिफोर हैंड का मतलब क्या होता है? पहले से कुछ जानकारी आपको ऑडियंस के बारे में थोड़ी बहुत ही सही मगर होनी चाहिए। जैसे टेंटेटिव ऑडियंस का एज ग्रुप क्या हो सकता है, ऑडियंस का जेंडर क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल माइट बी मेल और फीमेल, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस कौन से इंटरेस्ट का उनका ज़्यादातर होगा, उनका बैकग्राउंड कहाँ क्या है, वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कहाँ से आ रहे हैं, उनका नेचर क्या हो सकता है, प्लस उनका साइज़ क्या होगा। साइज़ मतलब यहाँ नहीं कि मोटा है पतला है, साइज़ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑडियंस कितने होने की संभावनाएं हैं, कितने लोग आ सकते हैं, और उनका एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या होगा। कई बार ऐसा होता है क्लास में, जब हम कोई चीज़ आपको पढ़ाते हैं तो हम पहले से कहते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा, इस टॉपिक को पढ़ने में आपको बड़ी बोरियत महसूस होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? आपको प्रिपरेशन ऑडियंस के नाते पहले ऑडियंस के लिए पहले से ही करके रखनी चाहिए। अगर मैं इसका कुछ एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ, तो जब आप क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए आए थे पहली बार, तो हमारे पास एक रफ आइडिया था कि जो भी बच्चे आएंगे वो 20-22 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड के भी हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ब्रांच के हिसाब से हमारे मेल्स ही होंगे। बैकग्राउंड क्या है? माइट बी रूरल एरिया से आ सकते हैं, नेचर नॉटी भी हो सकते हैं। साइज 120 ही होगा दो सेक्शंस में मिला के, और एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या है कि कुछ हमें इनमें र्यूमर पढ़ाने के लिए लाना इन लोगों को पड़ेगा। अगर हम किसी सेल्स की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर आप सेल का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितना बिका, अगर आप हाई इनकम ग्रुप के लोगों को दे रहे हैं, वेल एजुकेटेड या सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी मेंबर्स को दे रहे हैं, तो फर्स्टली यू विल प्रोवाइड द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की? जिस भी टॉपिक पर आप दे रहे हैं, एंड इट शुड बी फॉलोड बाय पर्सुएशन टू बाय द गुड्स। और आपको ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है, अगर आप हाई इनकम लोग को दे रहे हो, या हाई इनकम पैसे ज़्यादा पैसे वालों को दे रहे हो, या हाई एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों को दे रहे हो, वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो ऐसा आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि वो लोग क्या कर लें, आपके सामान को बाय ही कर लें, आपका सामान खरीद लें। नेक्स्ट है, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन किसको दे रहे हो, किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी को दे रहे हो, कि आप उनसे कोई डिसीजन लेना चाहते हो, मतलब आप किसी से कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई निर्णय लेना चाहते हो, और आप पूरे प्रेजेंटेशन ले रहे हो उनका एक ओपिनियन जानने के लिए, तो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए और उसका स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट ऑडियंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, जिसका पॉइंट कौन सा है हमारा, पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है, हमें प्रेजेंटेशन देने से पहले ध्यान रख लेना चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंटेशन किसी इंसान को इन्फॉर्म करने के लिए दे रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन को किसी को मोटिवेट करने के लिए दे रहे हैं, हम किसी को परसुएड करने के लिए दे रहे हैं, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम किसी को एंटरटेन करने के लिए दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप और हम किसी भी इंसान को प्रेजेंटेशन देते हैं टू इन्फॉर्म, उसको सूचित करना। इन्फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान को टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, उस इंसान को उस चीज़ के बारे में जानकारी देना जिस इंसान को उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या उसको कोई फैक्ट और फिगर के बारे में बता रहे हैं, कोई आंकड़े वगैरह बता रहे हैं जो उसको पहले से नहीं, मतलब कोई चीज़ पता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वन शुड हैव एन इंटरेक्शन, वी शुड इंटरेक्ट इन लिमिटेड मैनर विद ऑडियंस। हमें बहुत ज़्यादा उन लोगों से चिपकना या बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल दें, आप किसी भी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आप एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होने के नाते आप उन कर्मचारियों को क्या करेंगे, कंपनी के रूल्स बताएंगे, रेगुलेशंस बताएंगे कि कंपनी में क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। आप उन्हें क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको ये करना है और आपको ये काम नहीं करना है, या किसी भी काम को करने का प्रोसेस आपका क्या है, या फिर आपको कंपनी से कौन कौन से बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे जिस चीज़ के बारे में कोई जानकारी उनको पहले से नहीं है। या फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कोई सुपरवाइज़र हैं और आप अपने जूनियर को क्या दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए। आप किसी, कोई नई मशीन आई है और आप उसे ये सिखा रहे हो कि इस मशीन को कैसे क्या करना है, ऑपरेट करना है, तो ये भी आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग हो गई, एक तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन हो गई। या तो फिर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब क्या होता है, आप लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन दोगे उनके, कोई मेरिट्स बताओगे कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप अपने प्रपोजल्स दोगे, या आप कह सकते हो कि आप ओरल रिपोर्ट्स भी दे सकते हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपको, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है। नेक्स्ट है आप टू परसुएड, आप किसी को मोहित करने के लिए भी प्रेजेंटेशन देते हो। मोहित करने का मतलब क्या होता है, उनका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना, यानी कि आपके पास कोई सामान इंक्लूडेड है, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट अवेलेबल है और आप उसे इतना पॉपुलर करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को कि सब लोग उसे क्या करें, खरीदें, सब लोग उसे क्या करें, खरीदें, यानी कि आप उनको उस चीज़ को बेचना चाहते हो। जैसे एक कहते हैं ना, गंजे को कंघी बेच दी किसी सेल्समैन ने, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, यानी कि उनको मोहित करके अपने सामान को आप कैसे बेच सकते हो, यानी कि आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, उनसे सजेशन दोगे, और क्या होगा कि वी कैन से दैट ही विल हैव टू ऑफर द सर्टेन कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। आप उन्हें कुछ कंक्लूजन्स भी दे सकते हो, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हो। ऐसा काम करने के लिए आपको हमेशा प्लीज, सर, मैडम, थैंक यू, इस तरीके के पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है आपको किसी को आप एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेन करने का मतलब क्या होता है, मस्ती मजाक करने के लिए आप किसी को प्रेजेंटेशन दे सकते हो, यानी कि आप किसी के साथ ह्यूमर फैलाना चाहते हो, मस्ती मजाक करना चाहते हो, आप किसी चीज़ का नरेशन दे रहे हो, ठीक है, कोई शॉर्ट क्विज आप करा रहे हो, कोई शॉर्ट क्विज करा रहे हो आप, ठीक है, कोई गेम खिला रहे हो, दैट मीन्स आप एक मोनोटनी तोड़ना चाहते हो। मोनोटनी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क, कोई काम आप कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, उसको ब्रेक करते हो और कुछ मस्ती मजाक के कार्यक्रम या कोई चीज़ आप बीच में करना शुरू कर देते हो, तो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए, कोई गेम वगैरह आप खिला रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप प्रेजेंटेशन देते हो किसी को मोटिवेट करने के लिए। अक्सर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो मोटिवेशन करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, ये पर्पस हो सकता है प्रेजेंटेशन देने का, ताकि अगर आपका आत्मविश्वास कहीं डगमगा रहा है तो उनकी बात सुनकर आप एक काबिल हो जाओ, सशक्त हो जाओ। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आपको फिर बताऊंगी, संदीप महेश्वरी, कार्तिक, आरजे कार्तिक, ये लोग क्या करते हैं, इतना आपके अंदर मोटिवेशन भर देते हैं अपनी बातों से कि आप खुश हो जाते हो और काम को करने के लिए अग्रसर हो जाते हो, जिसके करने के लिए आपका उत्साहवर्धन टूट गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है थीसिस। थीसिस कहाँ से आया, देखिए,
हमने पहला पॉइंट पढ़ा था फैसिलिटी, उसके बाद टाइम, उसका कंटेंट, पहला था ओकेजन, ओकेजन का भाई था आपका ऑडियंस, ऑडियंस के बाद तीसरा पॉइंट था प्लानिंग का पर्पस, पर्पस के बाद आपका आता है, ये पर्पस के पॉइंट्स थे, थीसिस क्या होती है। थीसिस का मतलब होता है कि थीसिस होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि हम कह सकते हैं बिकॉज इट स्पेल्स आउट द सब्जेक्ट। इसमें थीसिस में हम क्या बताते हैं, ये चौथा पॉइंट है आपका, थीसिस में हम ये बताते हैं वी स्पेल्स आउट, वी स्पेल्स आउट क्या, द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जिस विषय पर हम बोलना चाहते हैं, एंड वी ट्राई टू एस्टैब्लिश इट्स इम्पैक्ट्स अमंग द ऑडियंस, यानी कि हम अपने सब्जेक्ट पर जिस टॉपिक पर बोलना चाहते हैं ऑडियंस में उस पर लोकप्रियता लोगों को बताते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया है, कोर आइडिया है जिसके ऊपर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रल आइडिया कह दीजिए या कोर आइडिया कह दीजिए। नेक्स्ट है आपको, हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर स्टैंडिंग और वी आर स्टार्टिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एक कोई ढंग का टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे जिससे लोग सुनेंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि हम उसे बोलने का हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, जिस विषय पर हम बोलने वाले हैं उस विषय पर हमें पहले से पूर्व ज्ञान कुछ है या नहीं है, और फिर हम अपने आइडियाज़ को उसके ऊपर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। हम और आप, ठीक है, क्या करेंगे, हमेशा सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, टू फ्रेम द स्टेटमेंट, अपनी बात को कहने के लिए, यानी कि जिस मेन विषय पर हम बात करने वाले हैं हम उसकी तैयारी यहाँ पर करेंगे। लास्ट पॉइंट आपका आता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है, समाधान, नहीं साधन, सॉरी समाधान गलत बोल दिया। मटेरियल का मतलब आपका क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है वो भी चीज़ें जहाँ जहाँ से हमारा आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सामान इकट्ठा करेंगे, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, यानी कि हम कोई भी काम करने वाले हैं तो उसके लिए जो भी सामग्री हम इकट्ठा करेंगे वो हमारा होता है मटीरियल। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं या जो भी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन हम और आप देते हैं, ठीक है, कामकाज से संबंधित हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जिस भी विषय पर देते हैं उसको करने के लिए हम मटीरियल इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा हम क्या करते हैं, हम मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। मटेरियल कलेक्ट कर हम कहाँ कहाँ से करते हैं, हम मटेरियल्स को लाइब्रेरी से कनेक्ट करते हैं, हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, हम मैगजीन्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हम न्यूज़पेपर्स से कलेक्ट करते हैं, जो भी हमें प्रेजेंटेशन बना रही है हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, हम किसी कहीं किसी के ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी चीज़ के रिकॉर्ड उठाते हैं वहाँ से कनेक्ट करते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ, हम स्टैटिस्टिक्स, कहीं ना कहीं हमें कोई आंकड़े मिल जाते हैं तो हम आंकड़े से होता है इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, हम किसी का कोई पब्लिकेशंस है, किसी ने कोई रिसर्च करी, कोई आर्टिकल है वहाँ से ले सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं, सर्वे मतलब खुद जाके इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, फेस टू फेस किसी से हम और आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी फिनिश कलेक्टिंग मटेरियल, हम उस सारे मटेरियल को असेंबल करते हैं एक जगह पर, ठीक है, हम उस मटेरियल को क्या करते हैं, एक जगह पर असेंबल करते हैं। अब आप देखिए, इसके साथ ही हमारा पहला पॉइंट प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है। देखिए, प्रेजेंटेशन में हमारा प्लानिंग था, प्लानिंग में देखेंगे ओकेजन हमने पढ़ लिया, ऑडियंस, पर्पस, थीसिस, मटेरियल, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, फिर हमने फैसिलिटी पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, कंटेंट पढ़ लिया, हमारी टोन कैसी हो तो ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर। आउटलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आउटलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये तीन पॉइंट, ठीक है, वो हम अपने इसके लास्ट वीडियो में, जो हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी का पार्ट थ्री होगा वीडियो का, हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम ये वाले तीन टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, थैंक यू।